नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और मैं द प्लूरल्स पार्टी की जिलाध्यक्ष हूँ मधुबनी जिले की। दोस्तों, आज पूरी मानवता जिस संकट से गुजर रही है, जो आपदा आई हुई है COVID-19 के रूप में, हम सब जान रहे हैं चारों तरफ त्राहिमाम है। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, इसकी कमी की वजह से मृत्यु हो रही है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है, सही गाइडेंस देने वाला नहीं है। और ये सब किसका नतीजा है? हमारे राजनीतिक सिस्टम का। राजनेताओं को, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार, इनको एक साल का वक्त मिला, पर इन्होंने उस तरीके से ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, ना इन्होंने इसकी तैयारी की कि हम कैसे जब इस महामारी की दूसरी तीसरी लहर आएगी तो हम निपटेंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया। मगर आज मैं इन पर चर्चा करने नहीं आई हूँ। ये सारी बातें सत्य हैं और हम बदला लेंगे। हम एक वोटर के तहत हम बदला लेंगे। जब इलेक्शन आएगा तब बदला लेंगे। पर यह वक्त है कि हम सारी नकारात्मकता को दरकिनार करके पॉजिटिविटी के साथ एक एक कर हाथ जोड़ें और हम सब साथ आएं इस विपदा की घड़ी में मानवता को बचाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो भी कोविड गाइडलाइंस हैं सेफ्टी के लिए, उनका पालन करें। अति आवश्यक ना हो तो आप अपने अपने घरों से प्लीज़ मत निकलिए। मास्क, डबल लेयर मास्क आप पहनकर ही निकलें। अगर ज़रूरत हो तो सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, बार बार हाथ धोते रहें। और जो भी हमारे देश में जो हमारी आयुर्वेद एक जो प्रकृति है, उसमें भाप लेना या फिर हल्दी वगैरह, ये सब जो तमाम चीज़ें हैं आप भी जानते हैं, इन सब का आप इस्तेमाल करें बचाव के लिए। और दूसरी बात, एक मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो लोग भी अभी कोरोना से पिछले 3 महीनों में स्वस्थ हुए हैं, जिन्होंने इस पर विजय हासिल की है, जो इससे जूझ कर आए हैं, प्लीज़ आप लोग आगे आइए और हमें बताएं। मधुबनी ज़िले में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मैं अभी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साझा करूँगी, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जानकारी हमें दें, ब्लड ग्रुप, एज, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर्स, और हम उनका एक डेटा तैयार करेंगे ताकि हमारे ज़िले में किसी को अगर जान बचाने के लिए प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है तो आप आगे आएँ। और आप कितने बेचैन रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कहीं से कोई मदद आ जाए, कोई मेरी हेल्प कर दे, तो आप सोचिए आपकी एक छोटी सी इस मदद से, बस जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ना, वैसा ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है। तो आप आगे आएँ ताकि किसी की जान बचाई जा सके। और दूसरी बात की हमारी पार्टी बहुत छोटी है, हमारे पास हमारे अपने विधायक सांसद कोई नहीं है, ना हमारे पास कॉरपोरेट हाउसेज हैं फंड करने के लिए। तो हम सभी कार्यकर्ता मिलकर जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हम सब लोग कर रहे हैं। तो हमने अभी अपने ज़िले में हम लोग अभी PPE किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। आप में से किसी को भी अगर, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, या आप किसी को जानते हैं और आपको लगता है कि हमें उन तक PPE किट्स पहुंचाना चाहिए, तो आप हमसे संपर्क करें। सारे नंबर्स कमेंट बॉक्स में मैं अभी डालने वाली हूँ। आगे आए और आकर के हम लोग इस विपदा की घड़ी में एक दूसरे का सहारा बने, साथी बने और एक दूसरे को बचाएं, एक दूसरे की ज़िंदगी बचाएं। हम लड़ेंगे, हम सबसे लड़ेंगे, हम इन राजनेताओं से भी लड़ेंगे जिन्होंने हमें इस मुकाम पर हमें लाकर खड़ा किया है, पर बाद में। फ़िलहाल मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, हम लड़ेंगे साथी इन उदास शामों से, हम लड़ेंगे कि हमें जीतना है। नमस्कार।